छात्रों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले पिछले टर्म पर हमने जो है आपको आगने के संरचना के बारे में बताया था। आज हम चल रहे हैं आगने की प्रकार। ध्यान दीजिएगा, आगने जो होता है ये तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? तीन प्रकार का होता है। नंबर वन है नंबर वन को कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए इसको साठ पार में जो है आर एन ए लिखा जाता है। राइबोसोमल आरएनए को राइबोसोमल आरएनए। दूसरा जो है संदेश वाहक आरएनए। संदेश वाहक आरएनए इसको साठ पार में एमआरएनए लिखा जाता है। और डिटेल में इसे मैसेंजर आरएनए कहा जाता है। और तीसरा जो है घुलनशील आरएनए, या इसको स्थानांतरण आरएनए कहा जाता है। साठ पार में घुलनशील आरएनए को एसआरएनए, सॉल्युबल आरएनए और स्थानांतरण को साठ पार में लिखा जाता है टीआरएनए या ट्रांसफर आरएनए या ट्रांसफर आरएनए। इस प्रकार से जो होता है छात्रों, आरएनए जो होता है कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का। राइबोसोमल आरएनए, संदेश वाहक आरएनए और घुलनशील या स्थानांतरण आरएनए। तो हम चर्चा करने चल रहे हैं जो है राइबोसोमल आरएनए के बारे में चर्चा करने। हाँ, ध्यान दीजिएगा, राइबोसोमल आरएनए जो होता है यानी आरएनए जो होता है ये कोशिका के कुल आरएनए का जो होता है, कुल आरएनए का 80% होता है। कितना होता है? 80% होता है। और ये जो होता है सबसे अधिक सक्रिय होता है, सबसे अधिक सक्रिय होता है। और ये भी जो होता है ये है केंद्रिका में डीएनए से बनता है, इसके द्वारा बनता है, डीएनए से बनता है। और ये जो होता है राइबोसोम से लगा होता है, इससे राइबोसोम से लगा होता है, इसीलिए इसको जो होता है राइबोसोमल आरएनए कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राइबोसोमल आरएनए कहा जाता है। तथा जो होता है प्रोटीन जो होता है संश्लेषण,
यानी प्रोटीन सिंथेसिस में जो होता है भाग लेता है, प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। तो राइबोसोम आरएनए क्या है? ये कोशिका के कुल आरएनए का 80% होता है, और सबसे अधिक जितने राइबोसोम तीनों में से सबसे अधिक का सक्रिय होता है। केंद्रिका में डीएनए से बनता है, राइबोसोम से लगा होता है, इसीलिए इसको जो है राइबोसोम आरएनए कहा जाता है, तथा ये जो होता है प्रोटीन संश्लेषण में जो होता भाग लेता है। दूसरा हम आते हैं संदेश वाहक आरएनए, संदेश वाहक आरएनए, संदेश वाहक आरएनए एम आरएनए मैसेंजर आरएनए। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है मैसेंजर आरएनए जो होता है, ये कोशिका के कुल आरएनए का 3 से 5% होता है। कोशिका के कुल आरएनए का 3 से 5% होता है। कितना होता है? 3 से 5% होता है, और ये जो होता है केंद्रक में बनता है, किससे? डीएनए से। ये केंद्रक में डीएनए से बनता है, और वहां से बनकर कोशिका द्रव में आता है। केंद्रक में डीएनए से बनकर कोशिका द्रव में आता है, और ये जो होता है केंद्रक से आदेश लेकर के, सॉरी, ये जो है डीएनए से आदेश या संदेश प्राप्त करके, संदेश प्राप्त करके प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेता है। प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेता है। तो ये मान लीजिए क्या होता है, कोशिका का गुणवत्ता 3 से 5% होता है। ये केंद्रक में डीएनए से बनता है, और डीएनए से बनकर ये कोशिका द्रव में आता है, तथा डीएनए से संदेश या आदेश प्राप्त करके होता है, संदेश आदेश या कह सकते हैं आदेश या संदेश प्राप्त करके, यानी प्राप्त करके जो होता है प्रोटीन संश्लेषण में जो होता है भाग लेता है। किसमें भाग लेता है? प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। तीसरा ये घुलनशील आरएनए, घुलनशील आरएनए या स्थानांतरण आरएनए, इसको शॉर्ट फॉर्म लिखा जाता है एसआरएनए या साधुरा आरएनए। इसी प्रकार जो है
स्थानांतरण आदेश हो साठ काल में टी आर में या ट्रांसफर आर में लिखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो होता है कोशिका के कुल आरवे का, कोशिका के कुल आरवे का जो होता है ये 5 से 10% होता है। कितना? 5 से 10% होता है। दूसरा, ये जो है कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में खुला होता है, ये कोशिका द्रव्य में खुला होता है। क्या होता है? खुला होता है या घुलनशील होता है, इसीलिए इसको जो होता है घुलनशील आरएनए कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये कई प्रकार का होता है, ये कई प्रकार का होता है तथा इसके कण सबसे छोटे होते हैं, तथा इसके अणु सबसे छोटे होते हैं। जितने भी तीनों आरएनए में से जो है ये जो है इसके अणु जो होते हैं सबसे छोटे होते हैं। और क्या करता है? और ये जो होता है, और ये है प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो है, प्रोटीन संश्लेषण या सिंथेसिस के लिए आवश्यक आवश्यक अमीनो अम्ल या अमीनो एसिड को, अमीनो एसिड को राइबोसोम पर लाता है या स्थानांतरित करता है। राइबोसोम पर लाता है या स्थानांतरित करता है, इसीलिए इसको ट्रांसफर या स्थानांतरण आरएनए कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रांसफर या स्थानांतरण आरएनए कहा जाता है। फिर समझिए, टीआरएनए जो होता है या एसआरएनए, ये उसका के कुल आरएनए का जो होता है 5 से 10% होता है, ये कोशिका द्रव्य में खुला होता है तथा कई प्रकार का होता है, और इसके अणु होते तीनों में से सबसे छोटे होते हैं, और ये जो होता है प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक अमीनो अम्ल या अमीनो एसिड को राइबोसोम पर लाता है, इसीलिए जो होता है इसको स्थानांतरण आरएनए कहा जाता है, टीआरएनए कहा जाता है। और चूंकि इसके अणु कोशिका द्रव्य में खुले होते हैं, इसीलिए इसको एसआरएनए या घुलनशील आरएनए या सार्वभौमिक आरएनए होता वो कहा जाता है। आइए स्थानांतरण आरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल, क्लोवर लीफ मॉडल, क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ टीआरएनए, क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ टीआरएनए इसका स्ट्रक्चर है।
छात्रों तो ये है टीआरबी का क्लोरीन मॉडल, और ये तिपतिया पौधा होता है लेगुमिनेसी कुल का। तिपतिया को अंग्रेजी में क्लोरोली पाउडर कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। सर्वप्रथम जो है रॉबर्ट हाली नामक वैज्ञानिक ने 1964 में जो है टीआरएनए का जो है क्लोवर लीफ मॉडल प्रस्तुत किया। क्या प्रस्तुत किया? क्लोवर लीफ मॉडल। ये तिपतिया पौधा है, क्या है इसी को क्लोवर लीफ जो है पौधा कहते हैं। ये आप जो देख रहे हैं तिपतिया है, तो आप देखें इसकी एक भुजाए है, एक भुजाए है, एक भुजाए, तीनों इसी संरचना के साथ इसकी संरचना होता है। तो ध्यान दीजिएगा इसके अनुसार, इस मॉडल के अनुसार जो होता है, इसके अनुसार टीआरएनए की संरचना इस मॉडल के अनुसार, टीआरएनए की संरचना जो होती है, टीआरएनए की संरचना लेगुमिनोसी फैमिली निकुल के तिपतिया चार पौधे के पत्ती निकलोल के समान होती है। क्या होती है के समान? आप देखें दीजिए इसके समान, दोनों आप देखें समान स्ट्रक्चर देखा। आइए तिपतिया पौधे के समान जो होता है, तिपतिया पौधे के समान टी आरने में चार भुजाएं कितनी होती हैं? चार भुजाएं होती हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त एक इसमें दूसरी भुजा होती है, लेकिन इसके अतिरिक्त जो होता है, इसके अतिरिक्त टी आरने में किया में एक छोटी पांचवी भुजा होती है। क्या होती है? पांचवी भुजा होती है। आप देखिएगा पांचवी कौन, उसमें पांचवी भुजा होती है कितने, जिसे लंब कहते हैं। यहां पर यह है जिसे लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब पैटर्न। लेकिन मुख्य रूप से जो होता है इसमें चार ही भुजाएं होती हैं। कितनी होती हैं? चार। प्रथम चलिए इसमें चार ही भुजाएं होती हैं। प्रथम को कहते हैं क्लाई भुजा, एक्सेप्टर आर्म सबसे ऊपर लिखा गया है। दूसरा जो है नीचे आते हैं प्रतिकोडान भुजा, एंटीकोडान
एंटीकोडन आर और तीसरी हो जाए जो है टीफाइसी भुजा, टीफाइसी भुजा या टीफाइसी आर्म। चौथा जो है डीएचयू भुजा डाइहाइड्रो यूरिडीन, इसको डीएचयू मतलब हो गया डाई हाइड्रो यूरिडीन आर। इस प्रकार से जो है ये चार भुजाएं होती हैं, कितने होती हैं चार भुजाओं का मुख्य रूप से जो होता है बना होता है। तो टीआरएनए का प्रारंभिक मानक जो है रॉबर्ट हाले ने 1964 में प्रस्तुत किया, इसके अनुसार इस मॉडल के अनुसार टीआरएनए की संरचना लेगुमिनेसेंट के पौधे की पत्तियां पौधे के पर चार पौधे के पत्ती के समान होती है, ये पत्तिया पौधा है और तिपत्तीय पौधे के समान जो होता है इसमें टीआरएनए आप देखेंगे चार भुजाएं होती हैं, एक दो तीन चार भुजाएं होती है, लेकिन टीआरएनए में एक पांचवी छोटी भुजा होती है जिसे हम लंब कहते हैं। क्या कहते हैं लंब। इस प्रकार मुख्य रूप से चार भुजाओं का बना होता है, प्रथम को एक्सेप्टर आर्म ग्राही भुजा, दूसरे को जो होता है प्रतिकोडान एंटीकोडान आर्म और तीसरे को टीफाइसी भुजा और चौथे को जो होता है ये डीएचयू डाइहाइड्रो यूरिडीन भुजा जो होता है कहा जाता है। आइए नंबर वन ग्राही भुजा, ग्राही भुजा एक्सेप्टर, एक्सेप्टर आर्म, तो ग्राही भुजा ये यहां से लेकर के ये ग्राही भुजा पूरा है। तो ध्यान दीजिए ग्राही भुजा को जो होता है इसे जो है अमीनो एसिड भुजा या एए भुजा जो होता है कहा जाता है, कहा जाता है। ध्यान दीजिए इसमें कोई लूप नहीं है, यहां पर कोई लूप नहीं है। दूसरा इसका कैरेक्टर है कि इस भुजा में लूप यानी फंदा नहीं होता है, फंदा नहीं होता है। इसमें क्या है ये इसका ये टीआरएनए का पूरा धागा है, ये ऐसा कुंडलित हुआ है, तो ये एक इसका थ्री छोर है दूसरा फाइव छोर है। इसमें क्या होता है इस भुजा में इसमें जो है टी आर ने सूत्र का थ्री छोर यम फाइव छोर वाला सिरा होता है, क्या होता है सिरा होता है और क्या होता है तथा इसमें जो होता है तथा इस भुजा में थ्री छोर पर तथा इस भुजा में थ्री छोर पर साइटोसिन अमीनो एसिड साइटोसिन और जो है और एडिनिन तीन देखिएगा साइटोसिन साइटोसिन अमीनो एसिड तीन
अमीनो एसिड के अनुक्रम का बना जो होता है का बना अंतिम कोड या कोडान होता है, अंतिम कोडान या कोडेन नाभिक क्षारों के बने अनुक्रम को हम कोड या कोडान कहते हैं। तो इस प्रकार से आइए जो है इसको जो है अमीनो एसिड भुजा कहा जाता है, ग्लाइकोजेन को क्या कहा जाता है, ग्लाइकोजेन। इसके छोर पर लूप नहीं होता, ध्यान दीजिए यहाँ लूप है यहाँ पर लेकिन इसके छोर पर लूप नहीं होता, बल्कि इसके सिरे पर जो होता है कि आगे सूत्र का थ्री छोर यौगिक फाइव छोर वाला जो होता है सिरा होता है। साथ इसमें टी आर एन ए के थ्री छोर पर जो है टी अमीनो एसिड साइटोसिन साइटोसिन अमीनो एसिड के अनुक्रम का बना जो होता है ये अंतिम कोड होता है, क्या होता है अंतिम कोड होता है। दूसरा ये दूसरा प्रतिकोडान प्रतिकोडान भुजा एंटीकोडान आर, तो ध्यान दीजिए ये जो है ये ग्राही भुजा है ये प्रतिकोडान भुजा है, तो ये इसके विपरीत उल्टे स्थित होता है। ये भुजा जो होती है ये भुजा ग्राही भुजा के विपरीत स्थित होती है, ग्राही भुजा के विपरीत स्थित होती है और क्या है इसके छोर पर लूप होता है, इसके छोर पर लूप होता है और क्या होता है इसका जो लूप होता है लूप माने फंदा, इसके लूप के छोर पर तीन नाइट्रोजनी तीन नाइट्रोजनी क्षारों का बना अनुक्रम होता है, अनुक्रम होता है जिसे जिसे प्रतिकोडान एंटीकोडान आपके चित्र लिखा गया है जिसे प्रतिकोडान कहते हैं, क्या कहते हैं प्रतिकोडान, ये है एक दो तीन नाइट्रोजन क्षारों का अनुक्रम इसको यहाँ लिखा गया प्रतिकोडान कहते हैं। इसमें प्रतिकोडान में जो होता है प्रतिकोडान में एम आर एन ए के एम आर एन ए के उसी कोडान एम आर एन ए के उसी कोडान या कोड का अनुक्रम होता है या उसी कह सकते हैं चेंज कर सकते हैं या उसी अमीनो एसिड का कोड होता है जिसमें जिसमें एक एक भुजा मतलब अमीनो एसिड या ग्लाइकोजेन भुजा के अमीनो एसिड की संकेत सूचनाएं होती हैं, क्या होती हैं संकेत सूचनाएं होती हैं। तो ये क्या है आइए ये ग्राही ये जो है प्रतिकोडान ऊर्जा है, तो ये प्रतिकोडान ऊर्जा जो होती है ग्राही ऊर्जा के ठीक उल्टे विपरीत स्थित होती है, इसके छोर पर एक लूप या फंदा होता है,
तथा दो के छोर पर जो होता है 1 2 3 नाभिक चारों के अंतरण का बना कोण होता है जिसे पृथकोडान कहते हैं। पृथकोडान में अमीनो एसिड के mRNA के उसी अमीनो एसिड का कोण होता है जिसमें अमीनो एसिड भुजा या ग्राही भुजा के अमीनो एसिड की संकेत सूचनाएं होती है। अब आइए इसकी जो है तीसरी भुजा है ध्यान दीजिएगा ये भुजा जो होती है ये भुजा ये टी फाइव सी भुजा है ये भुजा जो होती है टी आरने को जो है राइबोसोम से जोड़ने का कार्य करती है या राइबोसोम से जोड़ती है। चौथा DHU भुजा DHU डाई हाइड्रो यूरिन आर ध्यान देगा इस भुजा में क्या होता है इस भुजा में कौन सी भुजा है ये इस भुजा में एंजाइम से जुड़ने के लिए जो है एंजाइम से जुड़ने के लिए एंजाइम असफल होता है। क्या होता है एंजाइम असफल होता है। इस प्रकार से जो है टी आरने जो में चार भुजाएं होती हैं टी पत्तियां पौधे के समान चार भुजाओं का गुच्छा बना होता है। प्रथम भुजा है ग्राही भुजा ये भुजा जो होती है इसको अमीनो एसिड भुजा कहा जाता है और इस भुजा में जो है कोई लूप नहीं होता है। इस भुजा में पर केवल जो होता है टी आरने का 3 छोर ये 5 छोर वाला सिरा होता है। इसमें टी आर ने 3 छोर वाले सिरे पर जो होता है टी अमीनो एसिड साइटोसिन साइटोसिन एवं एडेनिन के नाइट्रोजन क्षारों का बना ये अंतिम कोण होता है। दूसरा है ये प्रतिकोडान भुजा ये भुजा जो होती है ग्राही भुजा ठीक विपरीत उल्टी स्थित होती है। इसके छोर पर लूप होता है तथा इसके लूप के छोर पर 3 अमीनो एसिड नाइट्रोजन क्षारों का अंकन का बना होता है एंटीकोडान प्रतिकोडान होता है। इसके प्रतिकोडान में अमीनो mRNA के उसी अमीनो एसिड का जो होता है वो अंकन होता है जिसमें ग्राही भुजा के अमीनो एसिड के जो है संकेत सूचनाएं होती है। दूसरी भुजा की फाइव सी भुजा ये भुजा जो होती है tRNA को राइबोसोम से जोड़ने का काम करती है और चौथी भुजा है ये DHU डाई हाइड्रो यूरिन भुजा ये भुजा इस भुजा में जो है एंजाइम से जोड़ने के लिए एंजाइम स्थल होता है। क्या होता है एंजाइम स्थल होता है। अब आइए आज हम बताते हैं DNA एवं RNA में अंतर। DNA एवं RNA में अंतर डिफरेंस
बिटवीन डीएनए एंड आरएनए तो इसी तरह हम कोई चार्ट बता लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं डीएनए और यहाँ पर लिखते हैं आरएनए। क्या लिखते हैं आरएनए? ध्यान दीजिएगा, आरएनए जो होता है ये केंद्रक द्रव गुणसूत्र तथा माइटोकांड्रिया यौन क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक में पाया जाता है और ये जो होता है ये केंद्रिका केंद्रक द्रव कोशिका द्रव्य यौन कुछ कोशिकांग यौन कुछ कोशिकांग में पाया जाता है। दूसरा ये डीएनए जो है इसमें डीऑक्सी रिबो सरकार होती है और इसमें क्या होती है, इसमें रिबो सरकार होती है, रिबोज शर्करा होती है। नेक्स्ट लाइन इसमें चार प्रकार के नाइट्रोजन क्षार एडिनिन गुआनिन साइटोसिन यौन जो है थायमिन होते हैं या पाए जाते हैं। ध्यान दीजिए इसमें भी चार प्रकार के नाइट्रोजन क्षार होते हैं, इसमें भी चार प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। ये क्या होता है परंतु इसमें थायमिन के स्थान पर क्या होता है, थायमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है, थायमिन के स्थान पर क्या होता है यूरेसिल होता है, क्या होता है यूरेसिल होता है। नेक्स्ट आइए इसमें जो है दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है, इसमें दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती हैं और उसमें क्या है, इसमें केवल एक
पानी में न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। इसमें केवल एक क्या लिख सकते हैं, अंग्रेजी में लिख सकते हैं इसमें केवल एक पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। ध्यान देगा इसमें जो है द्विचक्राकार या द्विकुंडलनी या द्विकुंडलनी रचना होती है। क्या होती है रचना होती है, इसमें ये रचना नहीं होती है, इसमें ये रचना नहीं होती है। रचना नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट डीएनए जो होता है यह एक आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है और ये जो होता है ये एक संदेश वाहक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। ये रूप में कार्य करता है नेक्स्ट टाइम डीएनए जो होता है प्रोटीन संश्लेषण के लिए डीएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए आदेश देता है, आदेश या संदेश देता है। और ये जो होता है आदेश प्राप्त करके, आदेश प्राप्त करके प्रोटीन का संश्लेषण करता है। नेक्स्ट डीएनए जो होता है इसमें जो है या लिख सकते हैं ये जो होता है ये लगभग 4.3 मिलियन मिलियन मतलब अरब न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। और ये इसमें केवल कह सकते हैं कि ये 12,000 तक न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। तो ये जो है डीएनए जो आरएनए बनता है, आइए डीएनए जो होता है केंद्रकर गुणसूत्र मतलब क्रोमेटिन माइटोकांड्रिया जो पाया जाता है। आरएनए जो होता है केंद्र का केंद्रकर कोशिकातर युग्मक कोशिका में जो होता पाया जाता है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, आरएनए में राइबोस शर्करा होती है। डीएनए में चार प्रकार के नाइट्रोजन एडिनिन गुआनिन साइटोसिन और थाइमिन पाए जाते हैं। इसमें भी चार प्रकार के नाइट्रोजन छात्र होते हैं परंतु इसमें थाइमिन के स्थान पर जो होता है यूरेसिल होता है। ध्यान देगा डीएनए में दो सूत्र होते हैं अर्थात दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला जबकि आरएनए में जो एक सूत्र या एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है।
डीएनए के पॉलीन्यूक्लियो होता है श्रृंखला में द्विचक्राकार या द्विकुंडली रचना होती है, इसमें द्विकुंडली या द्विचक्राकार रचना नहीं होती है। ये डीएनए जो होता है एक आनुवंशिक पदार्थ है या आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है, जबकि आरएनए एक संदेश वाहक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। डीएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए आदेश देता है और आरएनए जो है आदेश प्राप्त करके प्रोटीन का संश्लेषण करता है। डीएनए जो में लगभग होते हैं 4.3 जो है न्यूक्लियोटाइड होते हैं, या ये कह सकते हैं 4.3 अलग न्यूक्लियोटाइड का जो होता बना होता है, जबकि आरएनए 12,000 तक न्यूक्लियोटाइड का जो होता बना होता। छात्रों ऑनलाइन क्लास हम यहाँ समाप्त करते हैं, इसके आगे जो है कल्चर चक्र।